नमस्कार सर नमस्कार सर सर सबसे पहले परिचय है अपना राजेंद्र कौशिक को, फ्रॉम मुरथल निर्मल वर्मी कंपोस्ट फ्रम का नाम सर आपने कब स्टार्ट किया था वर्मी कंपोस्ट सर मैंने लगभग दस साल पहले कैसे आपको आइडिया आया वर्मी कंपोस्ट करने का सर मैं एक बजाज लाइफ इंश्योरेंस में जॉब करता था तो कंपनी की तरफ से मैं गया था पूना और पूना जाके मैंने ये वर्मी कंपोस्ट प्लांट देखा था एक उसके बाद मेरे को ये आइडिया आया था कि मैं भी वर्मी कंपोस्ट का काम करूं इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है क्यों आपको ऐसा लगा सर वर्मिंग ही सबसे बेस्ट काम है वो यूं कि लोग जो है ना यूरिया और डीएपी ए की तरफ ज़्यादा भागे हुए हैं और उस उसकी वजह से जो है ना हमारे समाज में बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं इसकी वजह से हम जो मेरा जो मन था वो ये था कि म, वर्मी कम्पोस्ट का काम किया जाए जब आपने ये डिसाइड कर लिया मेरे को वर्मिंग कम्पोस्ट करना है तो मन में क्या चल रहा था किसको सेल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बिकेगा नहीं बिकेगा देखिए मैं सेल्स की लाइन का बंदा हूं स्टार्ट से ही मेरे पूरी लाइफ मैंने सेल करते हुए होगी तो मेरे को ये तो था ही नहीं कि मैं बेच नहीं पाऊंगा भले ही नया आइटम था लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मेरे लगभग मेरे पास 180 टन का मैंने फर्स्ट एक क्वार्टर में माल बेचा 180 टन फर्स्ट क्वार्टर में उसके बाद मैं कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा सफर की बात करें तो कैसा आपका सफर है दस साल का भी है? सर मेरी जो पिछली जो लाइन थी उससे बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया खुश हैं बिल्कुल एकदम मार्केटिंग कैसे बनाई सर मार्केटिंग की अक्सर बड़ी समस्या है इस लाइन में सर देखिए मैंने जब शुरू किया था तो ट्रेडिंग करके काम स्टार्ट किया था और क्वालिटी शुरू से ही मैं क्वालिटी पे बड़ा ध्यान करके चल रहा हूँ और क्वालिटी की वजह से ही आज मेरे पास रिपीट ऑर्डर हैं बार बार मेरे पास दूर दूर से लोग जो है ना खाद लेने आते हैं मेरे को बेचने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यानी मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है नहीं जो हमारा युवा है जो उसको करना चाहता है वो डरता है कहीं ना कहीं की माल कहाँ बेचेगा देखिए आप अपने घर में कुछ भी बना रहे हैं जब तक आप लोगों को नहीं बताएंगे तो किसको पता आपके घर में क्या सब्जी बनी है क्या नहीं बनी आप अपने घर में बैठे हैं आपने खाद बना लिया उसको बेचने नहीं निकल रहे किसी को दिखाओगे नहीं किसी को सैंपल नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा जी आपको ए, काम तो अपना करना है, मतलब जो चीज़ आपने तैयार करी है उसको दिखाओगे किसी कहीं तो दिखाओगे ना जब भी आपका माल बिकेगा कितने बेड से शुरुआत करी थी और आज कितने बेड है सर सर मैंने लगभग बीस बेड से शुरुआत की थी और आज मेरे पास सौ के करीब बेड है कितना खर्चा उस टाइम आया था सर उस टाइम मेरा जो खर्चा आया था लगभग पचास हजार के करीब प्रॉफिट की बात करें सर कितना आपको मुनाफा हो जाता है इससे सर अगर नॉर्मली देखा जाए तो पचास साठ हजार साठ हजार रुपये लगभग महीने के मैं अर्न कर लेता इनकम जो है वो जी ना के सेल, जी। सेल का, आ, सेल जो है वो मेरी ज्यादा है शुद्ध मुनाफा ये शुद्ध ये मुनाफा है कितना एरिया सर अगर एरिया की बात करें तो एरिया मेरे पास साढ़े तीन बिगे के करीब है लेकिन मैंने जो काम कर रखा है वो बीघा है बस जी, जी। इसको मैं देख रहा हूं सर, तो तो कौन -कौन सर देखिए अगर आप पोलीथीन लगाते हैं या ईंटे लगाते हैं मेरे को ये समझ में नहीं आता कि लोग जो है अपनी रहे हैं मान लीजिए पोलीथीन अगर आपने लगाई तो उसमें जो नमी है वो कम नहीं होगी आपका माल जो है जहाँ ढाई महीने में तैयार होता है वो जाके चार महीने में तैयार होगा और जो है केचवा अगर जिसकी वजह जो हम लगाते हैं कि के भाई केचवा हमारा ना निकल के भागे केचवा उसमें से भी निकल के भागता है और इसमें जाके अगर मतलब कच्ची जब उस पर फरश पे लगाते हैं ज़मीन पे लगाते हैं तो केचो अपनी जान बचाने के लिए कुछ दिन के लिए मिट्टी में भी घुस सकता है बाद में वापस आ जाएगा उसको मिट्टी नहीं खानी होती उसको गोबर ही खाना है ऑटोमेटिक तो वापस आ जाएगा ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा सर मौसम कौन सा बेस्ट रहता है कोई कहता है सर्दी में करो कोई कहता है गर्मी में करो कोई कहता है बरसात में करो सर देखिए क्या करें मतलब बेड लगाने के लिए स्टार्टअप किसी को कर अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो फरवरी मार्च और अप्रैल जी ये तीन महीने फिर आता है आपका सेप्टेम्बर अक्टूबर और नवम्बर दिसंबर में दिसंबर और जनवरी कोशिश ना करें और एक जून का महीना जून जुलाई का कितने बेड से कोई स्टार्ट कर सकता है सर अगर कोई करना चाहता है देखिए तो? अगर कमर्शियल बेस पे करें तो कम से कम बीस बेड और ट्रायल किसी को करना है तो ट्रायल करना है तो आप दो बेड से भी कर सकते हो एक बेड से भी कर सकते हो तो बीस बेड अगर कोई लगाता है आपके मेथड से तो क्या खर्चा सर उसको आएगा सर बीस बेड में अगर पच्चीस फीट लंबा बेड लगा रहे हैं तो पाँच किलो लगभग केचवा डलेगा सौ किलो केचवे की जो कॉस्ट है वो होगी आपकी अलग अलग हिसाब से कोई दो सौ रुपये बेच रहा है कोई तीन सौ बेच रहा है कोई डेढ़ सौ भी बेच रहा है उसके हिसाब से जो है ना उसकी कॉस्ट बैठी पाँच सौ किलो खेचवे की पिछहत्तर हजार के करीब अगर सर एक बेड की पिछत्तर प्लस मटेरियल जी राटीरियल पिछहत्तर हज़ार हाँ ये लगभग ये मान के चलिए कि आपका पिचहत्तर हज़ार में आपका काम शुरू हो सकता है लगभग अगर एक बेड की बात करें क्या लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए सर सर तीन फुट चौड़ाई डेढ़ फुट कम से कम ऊंचाई और बीस से पच्चीस फुट लंबाई सर इ, गोब, जी इसे ज़्यादा लंबा ना करें सर गोबर कितना पुराना होना चाहिए लगभग एक महीने तक पुराना आपका एक डेढ़ महीने तक का पुराना गोबर चल सकता है गाय का या भैंस का दोनों कोई भी हो कैसे पहचान करें कि अब गोबर हमारा तैयार है जब उसमें गर्मी जब आप हाथ डाल लेंगे तो उसमें गर, आपका हाथ आप को जो है ना गर्मी महसूस नहीं होनी चाहिए और कोई स्मेल वगैरह स्मेल भी नहीं होनी चाहिए स्मेल हम पहले पानी डाल के पहले ही खत्म कर लेते हैं कैचवा सर कौन सी वैरायटी का आपके पास में फटीडा किस रेट का आप लाए थे सर मैंने जब शुरू किया था तो दो सौ का किलो लेके आया था खाद कितने दिन में बन के तैयार हो जाती है दो से ढाई महीने अगर एक बेड की बात करें कितनी लागत बात करते हैं कि अगर आपके बेड में केचुआ ज्यादा है तो वो डेढ़ महीने में भी कंप्लीट हो सकता है ये नहीं है कि उसको एक फिक्स टाइम है दो से ढाई महीने लगेंगे कैसे पहचाने की खाद जो है बन के तैयार हो गई है सर जब आप बेड पे देखेंगे तो आपका नॉर्मल जो है ना खा बेड पे आपको चाय पत्ती टाइप में यूँ लगने लग जाएगा कि ये चाय पत्ती है तो वो बे आपका बेड तैयार हो रखा है सर अगर एक बेड की बात करें कितना खर्चा आता है इसको बनाने में कितना इसमें देखिए सोलह किलो के करीब गोबर होता है उसमें से नौ आपको आठ सौ किलो खाद मिलती है सोलह सौ किलो गोबर जो है आपका ये मान के चलिए कि पंद्रह सौ के, के करीब का होता है और आठ सौ किलो के करीब आपको खाद मिलेगी तो चार हज़ार के करीब की उसमें खाद होगी कैंचवा जो हमने शुरू में लगाया था वो हमारा एज इट इज़ बच जाता है बल्कि फायदा हो जाता है जो भाई ट्रांसपोर्ट से कैचवा मंगाते हैं हाँ वो किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो कैंच ना मरे सर मेरे हिसाब से कभी भी पेटी में भर के ना भेजें ओपन गाड़ी में जो है ना ओपन खाद ओपन डाल के भेजें तिरपाल नीचे बिछाएं और उसका जो है ना तो उसका बाद में काटा करा लें रेट वेट के हिसाब से अगर आपको जो वेट पूरा करना है अपना आइडिया लेके उसमें भर दें जैसे कैचवा यूनिट पे तो क्या करें फिर तुरंत डाल दें उसको गोबर में सर अपना पहले बेड तैयार करके उसके बाद कैचवा खरीदें आप ट्रेनिंग का कितना महत्व है सर सर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कहाँ से लें सरकारी से लें प्राइवेट से लें देखिए सर सरकारी तो मेरा ख्याल कुछ है होगा नहीं कहीं पे और प्राइवेट लें कहीं भी कहीं से भी ले लें हम भी देते हैं ट्रेनिंग जी हमने जो है अपनी हज़ार रुपये फीस रखी हुई है हज़ार रुपये हम उसको वापस करते हैं जब जब बंदा हमारे से केंचवा खरीदता है जी और केँंच भी हम मतलब कम रेट में देते हैं ऐसा नहीं है कि हम बो, मतलब बहुत महंगा देते हैं अपना एक नॉर्मल रेट हमने बना रखा है डेढ़ सौ रुपये किलो का हम उसके हिसाब से केंचवा देते हैं फ्यूचर प्लान क्या सर अभी आपका सर मेरा तो फ्यूचर इसी में में मैं आगे ऑर्गेनिक सब्जियों में जा रहा हूँ ऑर्गेनिक सब्जियाँ तैयार करूँगा और अपना मेन हाईवे पर हम यहीं से अपनी आ, सेल हो जाया करेगी धन्यवाद सर आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी वेलकम सर धन्यवाद